हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज है UPSC की तरफ से AE भर्ती की। जो AE की भर्ती आई थी उसके बारे में ये अपडेट है। जिन छात्रों ने AE का फॉर्म भरा था उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक पूरी तरह से टेक्निकल चैनल है, और अगर आपने BE, BTEC, डिप्लोमा, ITI कुछ भी किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में ये न्यूज़ थी कि UPSC ने जारी किया AE भर्ती का प्राप्तांक और कट ऑफ, यानी कि आपकी मार्कशीट पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी वेबसाइट पे जारी हो चुकी है। और हम आपको दिखाते हैं इस वेबसाइट पे कहाँ है आपकी मार्कशीट और कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती में 283 पद आए थे और 266 पे भर्ती कंप्लीट की गई, बाकी पद रिक्त रह गए हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा, और इस वेबसाइट पर यहाँ पर जब आप जाएंगे ऊपर तो यहाँ पर देखिए, एक स्क्रॉल डाउन में नीचे कुछ मैसेज जो चलते रहते हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा कि आपका जो है आंसर की जो है आप कहाँ से देख सकते हैं, तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर रनिंग मैसेज में दिखाई देगा जो इस तरह से चलते रहते हैं मैसेज यहाँ पर। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड दिखाई देगा, और अभी यहाँ पे जो मैसेज गया हुआ है उसी में दिखा रहा है। ये जो मैसेज जा रहा है इस पर क्लिक करने से आपको एक स्क्रीन खुलेगी। दोस्तों, ये आ गई है स्क्रीन, और इस पर जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना आपको यहाँ पर डालना है, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डे, मंथ और ईयर। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये कोड दिया गया है, ये जो कोड है इसको वेरीफाई करना है यहाँ पर, और इसके बाद जो है आपको सबमिट का ऑप्शन दबा देना है, प्रोसीड कर देना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए वो इसको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर याद नहीं है तो इसको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। तो जिन छात्रों का इसमें सिलेक्शन हो वो भी अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।